गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट जो हमने कल वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमें दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसके अंदर हमें कंडीशन दी हुई है कि सॉल्यूशन इसका नहीं है। और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब आपके पास पैरेलल लाइन बनती हैं, ठीक है। जब ग्राफ के अंदर पैरेलल लाइंस बनती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है फ्रेंड्स, उसकी कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू। ये कंडीशन होती है आपके पास। किस चीज़ की कंडीशन है ये, नो सॉल्यूशन की, यानी कि पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो यहाँ हम ये दो चीज़ें इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो ए वन अपॉन ए टू क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो क्या है, थ्री अपॉन टू के माइनस वन, ये ए वन अपॉन ए टू है। इक्वल लगाएं बी वन अपॉन बी टू, बी वन कितना है यहाँ पे, वन है, ठीक है ना। जो y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, वन लगा सकते हैं। अपॉन बी टू, बी टू कितना, के माइनस वन, ये बी टू आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा थ्री के माइनस थ्री इज इक्वल वन, को इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, टू के माइनस वन। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ बन गया आपके पास 3k, ये 2k है, इधर जाके क्या बन गया, माइनस का 2k। यहाँ माइनस वन एज इट इज़ है हमारे पास, ये माइनस का 3 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 3 बन गया। यहाँ क्या बन गया, k इज इक्वल टू 2, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था, आप उसका जो है मैच कर सकते हैं अपना आंसर मेरे वाले आंसर के साथ, ठीक है। अब हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया था, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बड़ी है, क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, मतलब क्या है, किसी हॉस्टल का एक चार्ज जो है वो फिक्स है, यानी कि उसमें रहने का, उसको हायर करने का जो चार्ज है, एक टाइप का जो चार्ज है वो फिक्स है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। इसका मतलब हॉस्टल के दो टाइप के चार्ज हैं, एक तो हॉस्टल में रहने का, वो तो फिक्स है, फिर उस हॉस्टल में रहने के बाद आपने कितने दिन उसकी मेस के अंदर खाना खाया, तो पर डे जो मेस पे खाना है उसका चार्ज अलग है। यानी कि दो टाइप के चार्ज हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज और एक पर डे चार्ज। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, आप अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन चीज़ों का, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ों के जो चार्ज है वो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, मैंने लेट कर लिया फिक्स्ड चार्ज कितना, एक्स। फिक्स्ड चार्ज क्या लेट कर लिया, एक्स, और चार्ज पर डे, ये पर डे चार्ज कौन सा है, जो यहां मेस की बात हो रही है ना, कि जितने दिन उसने खाना खाया वो चार्ज पर डे है, उसको हमने लेट कर लिया वाई। तो ये दो टाइप के चार्ज है हॉस्टल के। अब क्वेश्चन की कंडीशन आती है, व्हेन ए स्टूडेंट ए, स्टूडेंट का नाम क्या है, ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, भाई 20 दिनों तक उसने उस हॉस्टल में खाना खाया, शी हैज़ टू पे रुपीज 1000 एज टोटल चार्जेस, यानी कि टोटल उसने कितना पे किया, 1000 रुपीज, कितने दिन खाना खाया, 20 दिन। तो देखिए, जब वो हॉस्टल में कोई गर्ल है ए नाम की, तो वो अगर उस हॉस्टल में रह रही है तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड चार्ज तो उसका लगेगा ही लगेगा, फिक्स्ड चार्ज तो उसका लग गया। अब उसमें चार्ज पर डे कितने दिन है, 20 दिन, तो 20y हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, 20y कैसे हो जाएगा, पर डे का चार्ज y है तो 20 डेज का चार्ज क्या होगा, 20y। इन दोनों का टोटल चार्ज कितना बन गया, टोटल चार्ज बन गया 1000 रुपीज। ये आपकी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो स्टेटमेंट है, स्टूडेंट बी, दूसरी कोई स्टूडेंट है बी, टेक्स फूड फॉर 26 डेज। अब ये जो बी स्टूडेंट है उसने कितने दिन खाना खाया, 26 डेज के लिए खाना खाया, एंड पेज रुपीज 1180, इतने रुपए उसने टोटल चार्ज के फॉर्म में दिए हैं। तो फाइंड चार्जेस, ये दोनों टाइप के जो चार्जेस हैं ये हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, जो वो दूसरी स्टूडेंट है बी, उसका भी फिक्स्ड चार्ज लगेगा, लेकिन उसने खाना कितने दिन खाया, 26 डेज खाया, तो यहां लग जाएगा 26y। ये बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू क्या, 1180। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं,
आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी है। अब तो कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा कमेंट करके बताइए। ये देखिए मेथड जो यहाँ एक्स एक्स सेम दिख रहा है आपको, तो मेथड लगाएंगे हम एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड का नाम बोला नहीं हुआ कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, तो हम एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस हम यानी कि इनके साइन चेंज कर देंगे, ये एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 26 है प्लस का 20 है, तो क्या बन जाएगा माइनस का 6y, ठीक है। और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ बनेगा माइनस का 180, ठीक है ना। 1180 में से 1000 माइनस होगा तो क्या बनेगा 180, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है। y की जो वैल्यू आई 180 अपॉन 6, ये बात समझ में आ गई। तो 6 3 18, तो y की जो वैल्यू आई वो क्या है 30, यानी कि पर डे जो चार्ज है वो कितना है 30 रुपीज़ है, यानी कि डेली का जो खाना खाने का चार्ज है वो कितना है 30 रुपीज़। अब ये y की जो वैल्यू है, चाहे मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, चाहे सेकंड में पुट कर दूं, हमारा आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो यहां मैं यही लिख रहा हूं भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से लिखा तो ये क्या है, ये है हमारे पास x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ये है, ठीक है। तो ये y की जो वैल्यू है 30 यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो x इज x प्लस 20, y की जगह क्या लिखेंगे भाई, y की जगह लिखेंगे 30 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो यहाँ बन गया x प्लस 20 इंटू 30 क्या बनेगा, देखो आपको मल्टीप्लाई ना करना है तो सिर्फ आप डिजिट को मल्टीप्लाई किया करो, 2 3 कितना 6, और ये दोनों जीरो लगा दिया करो आप, ठीक है ना। ये आ गया आपका 1000, ये 600 उधर चला जाएगा, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। x क्या चीज़ है, x है फिक्स्ड चार्ज, यानी कि हॉस्टल में रहने का चार्ज कितना है 400 रुपये, और पर डे खाना खाने का जो चार्ज है वो कितना है 30 रुपीज़। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके सामने लिख दिया मैंने, और क्वेश्चन बहुत इजी है, फ्रैक्शन के से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने पहले भी किए हुए हैं। तो क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 When 8 is added to its denominator। तो देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन के अंदर हमेशा ही दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूमरेटर होता है और एक दूसरा क्या होता है डिनोमिनेटर। तो हम दोनों की वैल्यू को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेट किया हमने न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को लेट कर लिया x, एंड डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लिया y, लेट कर लिया। अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट कर लिया तो आपके पास जो फ्रैक्शन बनी वो क्या बन गई, x अपॉन y, ये फ्रैक्शन बन गई। अब क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, जो ये फ्रैक्शन है इसके इक्वल में क्या आ जाता है 1/3 आ जाता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है ना। यानी कि इसका जो ये न्यूमरेटर है इसमें से मैं अगर 1 माइनस कर दूं और डिनोमिनेटर को कोई चेंज ना करूं तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है 1/3, ठीक है ना। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी 3x-3, कैसे बन गई 3 × x और 3 × 1 इज इक्वल टू y इंटू 1, ठीक है ना। तो ये बन गया 3x-y-3 इज इक्वल टू क्या 0, ये आपकी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए इट बिकम्स 1/4, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाती है 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें 8 ऐड कर दें। तो सिंपल सी बात है भाई, फ्रैक्शन ये रही, ठीक है ना, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 4x इज इक्वल वाई प्लस 8, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या बन जाएगा 4x-y-8, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0। ये आपके पास क्या बन गई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपने जब सॉल्व करेंगे
कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा? देखिए वाई सेम दिख रहा है आपको, तो मेथड सुटेबल रहेगा एलिमिनेशन, क्योंकि वाई जो है वो एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ यही करेंगे, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब मैं लिख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये बात हमने लिख दी, अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। यहाँ माइनस 4x है, ये प्लस का 3x है, तो यहाँ बन गया माइनस एक्स, ठीक है। ये y से y आपका हो गया कैंसिल, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 3 है, तो क्या बन गया, प्लस का 5 इक्वल टू क्या बन गया, 0, ठीक है ना। अब ये माइनस का x राइट साइड में ले जाओ, उससे क्या बन जाएगा, प्लस का x बन जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगी, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5। x की वैल्यू जब हमारे पास 5 आ गई, तो x की वैल्यू को अपने चाहे फर्स्ट में पुट कर दें चाहे सेकेंड में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा, देखिए 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, यहाँ 5 पुट कर देंगे तो 5 3 जा क्या आ जाएगा, 15, माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। ये आपकी क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन क्या बनेगी, x अपॉन y, ठीक है ना। फ्रैक्शन बना के छोड़नी है, x और y की वैल्यू ला के नहीं छोड़नी। फ्रैक्शन क्या है, 5 अपॉन 12, यानी कि फ्रैक्शन x अपॉन y थी ना, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 12। ये आपका फाइनल आंसर।